नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में कल 2 मार्च को आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। आरक्षण सूची को लेकर के हर एक ग्राम सभा में तरह तरह के चर्चे हैं। लोग खुश भी हैं और नाराज भी हैं। हमारी बात मनियर विकास खंड के रिगवन गाँव में कुछ लोगों से हुई, लोगों की राय आइए जानते हैं आपके साथ। मैं विनोद गुप्ता, रिगवन से रिकॉर्ड आया है तो हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, सरकार की नीति अच्छी है जी। धन्यवाद जी। मैं आपका पर्ची जानना चाहता हूँ। निर्भय पांडे, रिगवन जी। जो पंचायत चुनाव को लेकर के जो आरक्षण सूची जारी हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार की जो नीति है वो सही है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ है, मान लीजिए कि जब ये आरक्षण चलेगा तो अच्छा और बुरा की तो बात इसमें सोचना ही नहीं। सामान्य रहा, सामान्य के बाद बैकवर्ड हुआ, बैकवर्ड के बाद फिर भी दूसरा होगा, यह तो नियम है, नियम है तो चलेगा जी। आप विकास कोट करेंगे या विश्वास को? विकास के वोट किया जाएगा, विश्वास का। आपके गाँव में विकास हुआ? प्रधान द्वारा तो हुआ है, जो भी हुआ है थोड़ा। आप विकास कोट करेंगे? हाँ, विकास का वोट होगा जी। मैं आपका पता जानना चाहता हूँ। मेरा नाम विद्यासागर पांडे, ग्राम रिगवन जी। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के आरक्षण की सूची कल के आ गई है जी। सूची को लेकर आपको क्या कहना है? सरकार ने जो पारदर्शिता लाई है इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा गांव जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से आज तक जो है लगभग सामान्य रहा, और एक बार जो है एसी के लिए आरक्षित था। आज तक जो है बैकवर्ड को चांस किसी सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार ने पारदर्शिता लाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है जी। आपका ग्राम पंचायत में क्या हुआ है अभी, कौन से आरक्षण में क्या? हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। क्या आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं जी। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा जी। मैं आपको पूछना चाहूँगा। मैं रमेश पांडे जी, ग्राम रिगवन जी। मैं सामान्य में प्रधान पद का प्रत्याशी भी था, बैकवर्ड। लेकिन ये तो आपका ग्राम पंचायत बैकवर्ड हो गया है। हाँ, बैकवर्ड हो गया है। इसको लेकर क्या कहना है? ठीक है, बैकवर्ड हो गया है तो बैकवर्ड में कोई भाई लड़ेगा उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे। इसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम। अंकल जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं सीताराम पांडे, रामसभा रिगवन का निवासी मैं हूँ। और जो गवर्नमेंट के द्वारा आरक्षण की सूची जो हर ब्लॉक में हर ग्राम सभा का जो लिस्ट आया है, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हूँ, उस दृष्टि से बहुत बढ़िया निकला है और आगे भी बहुत बढ़िया इसका परिणाम भी आएगा। जिस सूची को लेकर के बहुत लोग नाराज भी हैं। देखिए, नाराज़गी तो हर बिरादरी में हमेशा रहती है, कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट कितना भी अच्छा करे तो उसमें कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन जो निकला है इस समय वो बहुत बढ़िया निकला जी। इस बार आप वोट किसको करेंगे, या विकास को या विश्वास को? विकास और विश्वास दोनों दोनों को करेंगे। विश्वास के साथ ही विकास भी होगा। दोनों में एक किसी को चुनेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। विश्वास और विश्वास, विकास दोनों चलेंगे। धन्यवाद। उससे उनका परिचय दीजिए। नाम अजय कुमार पर्वत, मैं रिगवन ग्राम सभा से बिलोंग करता हूँ जी। बहुत अरसे से लोगों को आरक्षण सूची का इंतज़ार था पंचायत चुनाव को लेकर के, अब कल इसकी सूची जारी कर दी गई है। आरक्षण सूची को लेकर आपकी क्या राय है? आरक्षण सूची से हम जो भारत यूपी सरकार गवर्नमेंट ने आरक्षण सूची जारी किया है, यहाँ की जनता उससे संतुष्ट है। ठीक है, बाकी जो जनता संतुष्ट है, सरकार की तरफ से आपत्ति दायर करने के लिए 15 तारीख तक डेट निर्धारित की गई है। इस आरक्षण से असंतुष्ट है। समान वर्ग के लोग कुछ इसे असंतुष्ट जाहिर कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से दिया गया था कि 25 साल 1995 से 2015 तक की आरक्षण सूची के लिए प्रतिमन तैयार किया जाएगा, जिसमें अब हमारे ग्राम सभा में अगले साल सामान्य था, उसके पिछले साल 2010 में एससी का अभी तक ओबीसी नहीं हुआ था, तो लोगों की कयास यही थी कि ओबीसी आएगा और उसी पर सरकार जो मानक तैयार किया है उसी पर ओबीसी का जी। भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप विकास कोट करेंगे या विश्वास को इस बार? हम विकास और विश्वास दोनों को।
से जानना चाहता हूँ। जी मैं ग्राम सभा रिगौन से राकेश पांडे उर्फ मंटू पांडे, मेरा नाम है। हेलो जी, पंचायत चुनाव को लेकर के जी, जिसका लोगों का इंतजार था कि सूची कब आएगी, आरक्षण सूची कब आएगी, जी जी वो कल के आ गई है। जी जी, यानी 2 मार्च को आ गई है। सूची को लेकर अभी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? सूची का लेकर के तो माननीय सरकार जो करती है अपनी तरफ से ठीक ही करती है, लेकिन दूसरी बात है कि अनदेखा इसलिए कर रही है कि अगर सामान्य होता है तो बैकवर्ड उसमें आ जाते हैं, और सामान्य में होता है तो उसमें पंडित जी लोग चाहे ब्राह्मण क्षेत्र जो भी है नहीं जा पाते हैं। इस तो सरकार को कुछ नियम लगाना चाहिए कि सामान्य करें तो वे लोग बढ़ के ना आए, और बैकवर्ड करें तो हम लोग उसमें ना जाए। ये हैं जी, कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम रिगौन जी। अभी पंचायत चुनाव को लेकर के कल जो सूची जारी की गई है उसको लेकर आप क्या राय है? हम लोग बहुत दुखी हैं, इस सरकार की जो नीति है इससे हम लोग बहुत दुखी हैं और नाराज भी हैं, क्योंकि अगर सामान्य होता तो सब लोग लड़ते, और सामान्य और बैकवर्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि यहाँ पर सामान्य में भी हमेशा बैकवर्ड का ही प्रधान रहता है। पिछली बार भी सामान्य महिला सीट था यहाँ पर था, जबकि बैकवर्ड का ही प्रधान है। तो इसलिए हम लोग नाराज हैं कि या तो इसको जिस वर्ग को नहीं मिल रहा है उसके लिए आरक्षित किया जाता, नहीं तो सामान्य छोड़ दिया जाता तो सब लोग लड़ लेते चुनाव जी। तो इसको लेकर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से हम बस यही गुहार करेंगे इस पर पुनः विचार किया जाए, और जैसे पहले चल रहा था उसी सिस्टम पर चलाया जाए, नहीं तो यही कारण बनेगा इस योगी सरकार का नाश का, जो हम लोगों के अंदर ये आक्रोश पैदा हो रहा है। अब उनका सरकार गिरने का, उनका जाने का वक्त आ गया है। कि बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सूची आई है बहुत अच्छी आई है, हम लोग इसकी उम्मीद थी। आप एक बात बताइए कि जब यहाँ पर पिछली बार ओबीसी को, ओबीसी का ही प्रधान है, उससे पहले भी ओबीसी का ही प्रधान है, एसटी का प्रधान है, तो यहाँ वो आरक्षण का क्या मतलब है? इस बार सामान्य लोग भी और लोग भी अपना व्यवस्था किए थे, तैयारी किए थे, लाखों रुपया खर्च करके 5 साल से सेवा कर रहे हैं, और अचानक सबको बाहर निकाल दिया गया। अब एक सूची आई है और बोलते हैं कि आप इसके पात्र नहीं हैं। अब नए नए लोग आए हुए हैं जो कुछ करते नहीं हैं, और पब्लिक उसको पसंद नहीं करती है। जी, इस बार आप विश्वास कोट करेंगे या विकास को? हम लोग विकास को वोट करेंगे और इस सरकार के नीति का विरोध भी करेंगे। सत्येंद्र कुमार पाठक और लड्डू पाठक है, मैं ग्राम सभा रिगौन के जी प्रधान पद का प्रत्याशी भी हूँ। जी, पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी लंबे समय से लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार था, और कल 2 मार्च को आरक्षण सूची प्रशासन शासन द्वारा जारी कर दी गई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी शासन की मंशा थी तो शासन की मंशा को ठुकराया नहीं जा सकता, लेकिन अपनी राय जरूर देंगे कि इस सरकार में इस आरक्षण से सामान्य वर्गों के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि एक लुभावना सरकार ने दी, अन्य वर्गों के आरक्षण 10% दिया जाएगा। जब पारित हो चुका है तो कम से कम पंचायत चुनाव में भी इसको 10% आरक्षण देना चाहिए। जिस तरह से 2015 में अमुक सरकार थी और उसको एसटी के लिए, एसटी का पारित हुआ, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, और उसी तरह से ये सरकार ने 10% संवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, और सारे सवर्ण के लोग यही सोचते थे कि भाई इसमें भी पंचायत चुनाव में भी चढ़बढ़ करके हिस्सा लिया जाएगा, क्योंकि 10% आरक्षण आएगा। अब तो हमारे मनियर ब्लॉक में जितने भी आरक्षण की सूची पारित हुआ है, इसमें जहां 99% केवल ओबीसी के लोग हैं, 1% भी वहां पे सवर्ण के लोग नहीं हैं, वहां पे अनारक्षित कर दिया गया। जहां लमसम 50% से ऊपर सवर्ण के लोग हैं, वहां पर भी ओबीसी कर दिया गया। तो इसमें तो हम यही देख रहे हैं कि सवर्ण को अंतरात्मा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यदि जहां ओबीसी 99% है वहां पे सवर्ण करेंगे तो वहां से भी जीत करके ओबीसी के ही लोग आएंगे।
और जहाँ 50% 60% यदि सवर्ण के लोग हैं उसको बैकवर्ड कर दिया गया तो वहाँ से भी बैकवर्ड के ही लोग आएंगे। तो ये तो हम देख रहे हैं कि ये सरकार सवर्णों के हित में नहीं है और सवर्ण को जितना चाह ये सरकार उतना बुरा ही चाहती है, हमारी तो यही अपेक्षा है सोच है जी। बहुत से लोग इस आरक्षण सूची को लेकर के खुश भी हैं। तो सर खुश होने की तो बातें हम कर दिए ना कि जहां मान कर चलिए कि 99% ओबीसी के लोग हैं वहां पे सामान्य हैं, वहां पे एसटी हो गया होता, वहां पे एससी हो गया होता, और हमारे ग्राम सभा में 95 में आरक्षण की व्यवस्था की गई 95 से लेकर के 2015 तक। ये हुआ कि भाई एक बार अनारक्षित महिला हुआ, उसके बाद से अनारक्षित पुरुष हुआ जिसमें गोरख यादव ही हमारे यहाँ प्रधान हुए, उसके बाद से सामान्य हुआ जिसमें बैकुंठ पांडे प्रधान हुए, उसके बाद से एससी हुआ जिसमें सुदामा राम प्रधान हुए, उसके बाद से फिर अनारक्षित महिला हुआ जिसमें धर्मशिला यादव प्रधान हुई। तो इसमें तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा के सवर्णों के आत्मा अंतरात्मा को ठेस पहुंचा करके और ये लोग ओबीसी के लिए कार्ड खेल रहे हैं। हम तो यही कहेंगे अब आगे सरकार की मंशा क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जहाँ से जानना चाहता हूँ जी, पंचायत चुनाव को लेकर के जो कल आरक्षण सूची जारी हुई है उसको लेकर के आपकी क्या राय है? सही है, हमारे यहाँ महिला अच्छे क्या आरक्षण से आप जो सूची आपके ग्राम सभा में आई है क्या उससे आप खुश हैं? जी पंचायत चुनाव को लेकर के जो कल सूची जो जारी हुई है इसमें आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम कहना चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा में महिला का आरक्षण मिला है, समान महिला है जी। तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं हम लोग। क्या ये जो उत्तर प्रदेश सरकार जो सूची दायर की है बहुत सोच समझ के दायर की है? जी बहुत अच्छा ये सूची जारी हुआ है, 1995 वाला ये लागू हुआ है, जो आरक्षण 1995 में लागू हुआ था वही आरक्षण लागू हुआ था। होता है जी, मैं धनज यादव ककरघट्टा ग्राम सभा जी। पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी लंबे समय से लोगों को सूची का इंतजार था और आरक्षण सूची का, वो कल जारी हो गई है जी। सूची को लेकर के क्या कहना है आपको? सूची को लेकर इस सूची से हमें बहुत खुशी है, ताकि जो है पिछले चुनाव से और इस चुनाव में जो बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा और जो भी मतलब प्रधान नए तरीके से आएंगे हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि उनका जो है सम्मान करते हुए और हम लोग का पूरा ग्राम सभा का विकास होगा और विकास करते हुए चले आए हैं जी। क्या आप विश्वास कोड देंगे या विकास को? नहीं, हम विकास कोड देते हैं। धन्यवाद। जानना चाहता हूँ श्री अनंत राम जी, काफ़ी समय से पंचायत चुनाव को लेकर के आरक्षण सूची का इंतजार था वो कल 2 मार्च को जारी कर दिया गया है, इसको लेकर के आरक्षण सूची को लेकर के आपकी क्या राय है? राय यह है कि कोई भी आया है तो कोई भी खड़ा होगा उसमें, अपना जो जिसका सत्ता रहेगा वो अपना लड़ेगा। ये समान लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अन्याय कुछ नहीं है, अन्याय के इसमें क्या है, सबके बारी बारी आना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो क्या आपकी राय सरकार को लेकर ठीक है? हाँ ठीक है।